नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। कहीं आप लोगों को भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ ट्राई करके देख लिया, डाइटिंग भी करके देख ली, आपने 32 बार वाला फार्मूला भी ट्राई करके देख लिया, और अब आप देखते हो कि आपकी डाइट बहुत कम रह गई है। एक दिन में मुश्किल से 2 या 3 रोटी खाते हैं, फिर भी पेट फूला फूला सा महसूस होता है। अगर ऐसा आपके साथ है तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो, पानी आपके शरीर में ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो ये वाटर रिटेंशन की वजह से आपका वज़न बढ़ा हुआ दिखता है, आप मोटे दिखाई देते हो। अगर इस प्रॉब्लम का समाधान करना है तो आज मैं आप लोगों के लिए 11 उपाय लेकर आया हूँ, 11 ऐसे तरीके जिससे आप लोग ये वाटर वेट अपना जो है उसको बैलेंस कर सकते हो। ना ही हमें अपने शरीर से पानी को कम करना है, ना ही ज़्यादा करना है, इसे बैलेंस करना है। कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर 60% वाटर होता है, लेकिन जब ये वाटर 60% से भी ज़्यादा पहुंच जाए तो एक बीमारी होती है जिसको एडिमा बोलते हैं। कहीं आपको भी ये प्रॉब्लम तो नहीं? अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, आज की वीडियो में ये जानते हैं। तो शरीर में जमा इस एक्स्ट्रा वाटर फैट को कम करने के लिए सबसे पहला तरीका जो है वो है एक्सरसाइज। हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हमने देखा पूरे देश में लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग बहुत ही कम फिज़िकल एक्टिव रह गए हैं, जिम्स बंद हो गए, लोगों का पार्क में जाना बहुत कम हो गया। लेकिन चाहे कुछ भी हालात हो, हम लोगों को हर रोज़ कुछ ना कुछ पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें फिट रहना है। तो कहते हैं कि अगर 1 घंटा हर रोज़ एक्सरसाइज कर लो तो शरीर में से करीब 0.5 से लेकर 2 लीटर तक पानी बाहर निकल जाता है, जो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है आपके लिए। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दूसरा बेस्ट उपाय है प्रॉपर स्लीप, यानी कि पर्याप्त नींद। जितनी ज़रूरी डाइट होती है वज़न घटाने के लिए, जितना ज़रूरी एक्सरसाइज होती है वज़न घटाने के लिए, उतना ही ज़रूरी होती है प्रॉपर स्लीप। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। अपनी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बॉडी में वाटर रिटेंशन को प्रॉपर बैलेंस्ड करने के लिए हमें एक रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे सोडियम लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं और शरीर में ज़्यादा वाटर वेट नहीं बढ़ता। तो दूसरा उपाय था ये। वाटर रिटेंशन का अगला कारण है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस ज़्यादा लंबे समय तक चल जाए, तनाव यदि ज़्यादा लंबे समय तक चल जाए, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन के लिए कारगर होता है। जो बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा होता है, पानी जमा होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिसोल। अगर स्ट्रेस और कॉर्टिसोल दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं ADH। ये ADH सिग्नल भेजता है हमारी किडनी को कि कितना पानी शरीर में रखना है और कितना बाहर निकालना है। लेकिन अगर स्ट्रेस लंबे समय तक चल जाए तो उसकी वजह से ये ADH का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को हर रोज़ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कैसे करना है इसको लेकर पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगा कि वज़न घटाने के लिए किस तरीके की मेडिटेशन करनी चाहिए। हर रोज़ 20 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करो। एकांत में बैठकर अपने विचारों को देखना बहुत ज़रूरी है कि मन में किस तरीके के विचार चल रहे हैं। जब आप शांति से अपने मन को शांत करेंगे, हर रोज़ दिन में 2-3 बार अपने विचारों को देखो, मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो स्ट्रेस लेवल कम होंगे। ये स्ट्रेस आपकी लाइफ को ख़राब करता जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये संदेश है कि अपने जीवन से स्ट्रेस को ख़त्म करो और मेडिटेशन को ऐड करो, जिससे ये वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक होगी। अगला जो उपाय है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के सप्लीमेंट लेने का उपाय है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स खनिज होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है उसको प्रॉपर चलाने के लिए।
इलेक्ट्रोलाइट्स का उदाहरण है जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम। कई बार हमारे शरीर में इन ज़रूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के सप्लीमेंट लेने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। हमें किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर इलेक्ट्रोलाइट्स के सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को ठीक करने का अगला उपाय जो है वो है मैनेज सॉल्ट इनटेक, यानी कि नमक के सेवन को मैनेज करना। जितना नमक आप ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करेगी। नमक का मतलब है सोडियम, और सोडियम आपके शरीर में पानी को होल्ड करने के लिए कारगर होता है। जिस दिन आप नमक कम खाते हैं उस दिन आपको बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। 32 बार के फॉर्मूला में हम लोग एक बिना नमक का दिन बोलते हैं। उस एक दिन में शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और शरीर की सफाई होती है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल नमक नहीं लेना, नमक थोड़ा बहुत लेना ज़रूरी होता है, लेकिन आपको अपने नमक का सेवन कम कर देने से ये वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। अगला उपाय है मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेना। मैग्नीशियम, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपके शरीर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा देखा गया है जिन लोगों के शरीर में मैग्नीशियम की कमी पाई गई है उन लोगों के शरीर ने वाटर को ज़्यादा होल्ड किया है और वो पानी के वजन से मोटे दिखाई पड़ते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप लोग, मैग्नीशियम की टैबलेट्स आती हैं, मैग्नीशियम के कैप्सूल्स आते हैं, ये सप्लीमेंट किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। जल्द ही हमारी वेबसाइट 32bar.com पे भी आप लोगों को मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स मिलने लगेंगे। अगला उपाय है डैंडलियन के सप्लीमेंट लेना। डैंडलियन एक पीले फूल का पौधा होता है, इसके फूल के अंदर कुछ दाने होते हैं। डैंडलियन का प्रयोग ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स करते हैं। अपने आप को कैटेगरी वेट में बनाए रखने के लिए डैंडलियन आपकी किडनी को आदेश देता है एक्स्ट्रा वाटर को शरीर से तुरंत बाहर निकालने के लिए। जो लोग डैंडलियन के सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं उनको बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो बॉडी बिल्डर्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके शरीर में भी अगर वाटर वेट ज़्यादा है तो आप डैंडलियन के सप्लीमेंट ले सकते हैं। डैंडलियन की ग्रीन टी भी आती है जो कि बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट 32bar.com पे भी आपको अवेलेबल होने लगेगी। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को ठीक करने का अगला उपाय है पर्याप्त पानी पीना। कितना पानी पीना चाहिए? हमें इतना पानी पीना चाहिए कि जब हम यूरिनेट करने जाएं, जब हम पेशाब करने जाएं, तो हमारे यूरिन का कलर या तो लाइट येलो कलर का हो या लाइट ट्रांसपेरेंट कलर का हो। अगर हमारा यूरिन डार्क येलो कलर का आ रहा है तो इट मींस हम लोग डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम में हैं। इट मींस हमारी बॉडी ज़्यादा पानी को होल्ड करेगी। जब भी पानी पियोगे तो आपका शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें पानी कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए? हमें जब प्यास लगे तब पानी ज़रूर पीना चाहिए। हमेशा अपने साथ एक पानी की बॉटल रखनी चाहिए, सिप सिप करके बिल्कुल आराम से पानी को पीना चाहिए। और जब प्यास ना हो तब पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी पी लोगे तो भी शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी, अगर कम पानी पियोगे तो भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी। तो हमें पानी के इनटेक को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगला उपाय है हमें हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, पोटेशियम रिच फूड खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बनानास खाने चाहिए, एवोकाडोज खाने चाहिए, योगर्ट लेना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। अगर खाने के अच्छे हेल्दी ऑप्शंस को लेंगे तब भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम से निजात पा सकेंगे। अगला उपाय है अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर होते हैं, जहाँ से वो शरीर के अंदर पानी को रिटेन करने का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम ग्लाइकोजन को शरीर में स्टोर करने के लिए 3 से 4 ग्राम पानी को भी स्टोर होना पड़ता है। तभी तो देखा गया है कि जो लोग लो कार्ब डाइट लेते हैं उनका वज़न बहुत जल्दी लूज़ होता है, और वो वज़न इसीलिए जल्दी लूज़ होता है क्योंकि वो वाटर वेट होता है।
लो कार्ब लेने से आपके इंसुलिन के लेवल भी डाउन आते हैं, जिसकी वजह से शरीर में सोडियम कम होता है और आपकी किडनीज जो हैं वो वाटर को कम रिटेन करती हैं। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को ठीक करने का लास्ट जो उपाय है वो है ग्रीन टी का इनटेक बढ़ाना। आप लोग हर रोज़ दिन में 3 कप ऑफ ग्रीन टी बड़े आराम से ले सकते हो। खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हो तो आपके शरीर में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। ग्रीन टी के अंदर डायुरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके शरीर से एक्सेस वाटर वेट को बाहर निकालने का काम करती हैं। जब भी कोई इंसान खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेता है तो ऐसा देखा गया है कि उसको बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है, जिससे शरीर की सफाई होती है। ग्रीन टी लेने से ना केवल शरीर से पानी का वज़न कम होता है बल्कि आपका मेटाबॉलिज़म बहुत अच्छा हो जाता है। मेटाबॉलिज़म जो कि आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। तो ग्रीन टी हम ले सकते हैं वाटर वेट को कम करने के लिए। उसके अलावा एक सवाल निकल के आता है कि ग्रीन टी अगर लें तो कौन सी लें। ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी अपनी वेबसाइट है 32bar.com। यहाँ दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी मिलती है वज़न घटाने के लिए, वाटर वेट को कम करने के लिए। और यहाँ से ग्रीन टी से जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा 100% चैरिटी के अंदर जाएगा, जिससे एक हॉस्पिटल का निर्माण होगा जहाँ लोगों के इलाज का कोई खर्चा नहीं आएगा। तो आप यहाँ से ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन टी के बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो 32bar.com पर आप जाकर ये ग्रीन टी ले सकते हैं। तो आज की आपने हमारी ये वीडियो देखी जिसमें हमने आपको उपाय बताए कि शरीर से वाटर वेट को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, नीचे कमेंट भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।